इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। देखिए फिलअप करने के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टाइप ऑफ डोमिनेंस आपने पढ़ा है, थ्री टाइप की डोमिनेंस होती है, को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर जो होता है स्नैप ड्रैगन के अंदर, स्नैप ड्रैगन प्लांट का नियम है, तो उसमें कौन सा डोमिनेंस होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, रेड कलर वाले फ्लावर है और व्हाइट कलर वाले फ्लावर है, इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन हमें ऑप्टेन होगी, उसके अंदर कैसे फ्लावर आए? पिंक कलर। इट मीन्स रेड कलर जो है व्हाइट पे डोमिनेंट नहीं हुआ और व्हाइट कलर रेड पे डोमिनेंट नहीं हुआ। इट मीन्स कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ, एक नया कलर आया, दोनों का मिक्सअप आया, क्या आया? पिंक कलर। इट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि उन ड्रग्स का नेम बताओ जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाइंड होते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जो GI ट्रैक होता है उससे बाइंड होते हैं। तो इसका आंसर होगा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो होते हैं, ओपियोइड्स जैसे ओपियम से हमें ऑप्टेन होता है, अफीम का जो प्लांट होता है ओपियम पेपेवर सोमनीफेरम जिसको हम साइंटिफिक नेम है, हेरोइन हुआ, मॉर्फिन हुआ, ये सारे क्या है? ओपियोइड्स हैं। और ये सारे जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाइंड होते हैं और GI ट्रैक से बाइंड होते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द ओजोन लेयर डिप्लीशन इन 1987 एन इंटरनेशनल टैटू वाज पास्ड नोन एज। तो एक 1987 के अंदर एक ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, तो उसका नेम क्या है? तो उस एग्रीमेंट का नेम होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। बहुत सी बार ये पूछ लेते हैं ODS, ODS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह होते हैं उनको ODS में हम रखते हैं। नेक्स्ट है स्टेफोर्ड यूनिवर्सिटी इकोलॉजिस्ट पॉल एहर्लिक गिव द हाइपोथेसिस। तो पॉल एहर्लिक जो है उन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? पॉल एहर्लिक ये रहे और इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट का मतलब इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में बताया था स्पीसीज, और फ्लाइट जो होता है वो एक इकोसिस्टम है और विंग पे जो रिवेट्स होते हैं वो की स्पीसीज। इस हाइपोथेसिस का मीनिंग ये था कि अगर इकोसिस्टम से कोई भी एक मेन स्पीसीज अगर चली गई तो वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही एक एरोप्लेन जो होता है उसके अंदर जो रिवेट्स होते हैं, छोटे छोटे जो रिवेट्स लगे हुए होते हैं, जो स्क्रू जिसको हम कहते हैं, अगर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो प्लेन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेम एनी टू ऑर्गेनिज्म इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम देखने को मिलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड द बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन, जैसे फ्रॉग के अंदर हो गया, फिश के अंदर हो गया, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में एग प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द वॉटर और वहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। राइट द फुल नेम ऑफ ZIFT एंड ICSI। देखो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ZIFT का फुल फॉर्म हो गया। इसके अंदर क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो आउटसाइड द बॉडी जो होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जायगोट होगा उसको फेलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एक फुल फॉर्म आपके ICSI था, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। तो एक निडल है, इस निडल के थ्रू जो स्पर्म है उसको एग के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। उन साइंटिस्ट के नेम बताओ जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। तो तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों के नेम इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो ड्रीवीज हॉलैंड से थे, एक कॉल कॉरेंस थे जर्मनी से, और शेरमाक थे ऑस्ट्रिया से।
तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेंडल के वर्क को क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया। राइट टू फंक्शन ऑफ जेनेटिक कॉड AUG, AUG के क्या वर्क होते हैं, AUG जो कॉडून है इसको हम इनिशिएशन कॉडोन कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उसको स्टार्ट करता है, इनिशिएशन कॉडोन। और एक ये मीथियोनीन अमीनो एसिड क्या करता है, कोडिंग करता है। राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक माइक्रोब के। तो यहाँ देखिए फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास में एरोबिक का एग्जाम्पल हो गया एजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग में एनारोबिक हो गया रोडोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया नॉस्टॉक, तो फ्री लिविंग के हो गए। सिम्बायोटिक में हमारे पास रूट नोड्यूल के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है राइजोबियम, और स्टेम नोड्यूल में शो कर रहा है एजोराइबोबियम। राइट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ GM, GM मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए कौन उसकी वैलिडिटी को डिसाइड करता है, तो वो करता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर से है। विच प्लेस या रीजन आर एसोसिएट विद द एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, तो हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, जब माउंटेन वगैरह पे हम जाते हैं तो माउंटेन पे जाने पर नोजिया वॉमिटिंग है ना, हेड तक उन लग जाता है, फैटी